झारखंड की राजधानी रांची से सटे नक्सल प्रभावी बारीडीह गांव के इन महिलाओं ने वो कर दिखाया है जिसे करने में सरकारी अफसर फेल रहे हैं। पानी के लिए तरस रहे गांव के घर घर में पानी पहुंचाकर इन महिलाओं ने मिसाल कायम की है। इन्हें इस बात की खुशी है कि उन्हें अब नहाने और पीने का पानी लाने मीलों नहीं चलना पड़ेगा। पानी के लिए बहुत दिक्कत होता था, नहाने के लिए भी हम लोग को नदी जाना पड़ता था जो कि 1 किलोमीटर लगभग है, पीने के लिए भी पानी लाने के लिए हम लोग को आधा किलोमीटर जाना पड़ता था। पिछले 25 साल से ये गांव पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहा था। सरकार की दिखावी योजनाओं से गांव वाले परेशान थे। थक हार कर महिलाओं ने घर घर तक पानी पहुंचाने का जिम्मा खुद उठाया। ग्रामजल स्वच्छता समिति में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, चंदा लगाकर न सिर्फ बोरिंग कराई बल्कि नदी में समरसिबल पंप लगाकर पाइपलाइन के जरिए शुद्ध पीने का पानी घरों तक पहुंचाया। महिलाओं का आगे आना बहुत बड़ा अचीवमेंट मानते हैं हम लोग, और चूंकि आज के डेट में सही मायने में अगर देखा जाए पानी का उपयोग जहां पर है तो पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं को होता है, महिलाओं के लिए है। और महिलाएं हमारी जो हैं समिति की हैं या जो समिति के जो महिलाएं हैं बखूबी जानती हैं, और उसी आधार पर उन लोगों ने प्रत्येक घर में जाके कन्विंस किया महिलाओं को, और ये जागरूकता उन्होंने दिखलाया। महिलाओं की मेहनत का असर गांव में दिखने लगा है। 1000 की आबादी वाले इस गांव में आज करीब 345 घरों में साफ पीने का पानी पाइप से पहुंच रहा है। ये महिलाएं खुद हर घर से नाम मात्र की फीस लेती हैं और उस पैसे को गांव के विकास में खर्च कर रही हैं।